Introduction of company. First, introduction of company. A company or a joint stock company as an company is an entity incorporated by a group of persons through the process of law for undertaking usually a business. It is an artificial person created by law. It is intangible and not affected by any changes in its member. A company is a separate legal entity and not affected by death or insolvency of its member. कहने का मतलब क्या हुआ, कंपनी एक जॉइंट कंपनी कहिए या जॉइंट स्टॉक कंपनी कहिए, इसका एक अस्तित्व जो है इनकॉर्पोरेटेड एक ग्रुप है, पर व्यक्तियों का एक ग्रुप है जो एक लॉ के प्रोसेस के हिसाब से बना हुआ है, जिनका ये जो नॉर्मली क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। इसकी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक यानी कृत्रिम व्यक्ति है। किसके आधार पर है, लॉ के हिसाब से एक कंपनी क्या होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है। इनटेंजिबल जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इसका इफेक्ट इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके मेंबर का। मेंबर कौन होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर। एक कंपनी सेपरेट होती है अपने किससे, लीगल एंटिटी है, इसकी अपनी एक पहचान होती है। इनके ऊपर इनके मेंबरों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे उनके मेंबर कोई इंसॉल्वेंट होते हैं, कोई डेथ होता है, लेकिन कंपनी क्या करती है, कंटिन्यूटी में रनिंग करती रहती है। दैट्स वो क्या हो गई हमारी, वो कंपनी के अंतर्गत आता। अब आते हैं हम नेक्स्ट, कंपनी को डिफाइन करती है कंपनी एक्ट 2013 क्या कहती है। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड कॉर्पोरेटेड मींस फॉर्मेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत हो, और एनी एग्जिस्टिंग के कंपनी लॉ। एनी एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ का मतलब क्या हो गया, जो इसके ठीक प्रीवियस कोई भी कंपनी लॉ हो, जैसे कंपनी एक्ट 2013 है, ठीक इसी के प्रीवियस कंपनी एक्ट 2013 के पहले की जो कंपनी मिलेगी, वो कौन से एक्ट के अंतर्गत आती है, कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत। उनके आधार पे कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे ये कहा गया है कंपनी। अब कई लोगों ने अलग अलग हिसाब से कहा गया है, तो कितने लोगों ने क्या क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू, पहला है लॉर्ड जस्टिस लिंडे। लॉर्ड जस्टिस लिंडे क्या कहते हैं, उनके हिसाब से क्या है, इट इज एन एसोसिएटेड ऑफ ए पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ ऑफ ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पज, यानी कई लोग मिलके जो एक कॉमन पर्पज के लिए कई मनी कंट्रीब्यूट करते हैं और जो वर्क करते हैं, और ये किसी कॉमन पर्पज के लिए। ये किन के आधार पर कहा गया है, लॉर्ड जस्टिस लिंडे के आधार पर। सेकेंड आते हैं जस्टिस मार्शल। जस्टिस मार्शल के हिसाब से क्या कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं इसके बारे में, ए कॉर्पोरेशन इन एन आर्टिफिशियल बीइंग इनटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेंट ऑफ लॉ, यानी लॉ के आधार पे एक निर्मित व्यक्ति होते, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके आधार पर यह पूरा वर्क होता है। दैट से क्या कहते हैं, ये लॉ के बेसिस बना, इसलिए क्या कहा गया इसे, कंपनी। अब थर्ड आते हैं एल एच हैने क्या कहते हैं। एल एच हैने के अंतर्गत कंपनी को उन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एल एच हैने, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद द पर्टिकुलर सेक्शन एंड द कॉमन सील, यानी कहने का मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, जिनकी एक अलग पहचान होती है और जिनका जो उनके पास एक कॉमन सील होता है, जिन पे जहाँ पे जैसे हम लोग जैसे कहीं पे साइन करते हैं, सेम सील का वर्क क्या होता है, उसी जगह पे कंपनी की स्टैम्प जिसे हम लोग कहते हैं मोहर लगती है, ठीक है, जिस पे उनका टोटली वर्क होता है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू जे आर बाटली पाई। अकॉर्डिंग टू जे आर बाटली पाई के अंतर्गत क्या है, ए लिमिटेड कंपनी is an entity in the eye of law, यानी एक लिमिटेड कंपनी जो कंपनी लॉ के आंखों के हिसाब से एक क्या है, एक कंपनी एंटिटी है, इसकी एक पहचान है। एंड कैन सू एंड सूट, किसी पे दावा या कोई उन पे दावा कर सकता है। होल प्रॉपर्टी, जिनकी होल प्रॉपर्टी डील विथ प्रॉपर्टी इट्स
इन इट्स ओन नेम, इनका जो डीलिंग होता है जो किसके नाम पे होता है, उनके अपने नाम पे होती है, जो भी डीलिंग हो रही है, जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसी कंपनी के नाम पे होती है। इन किसके आधार पे इन्होंने कहा है, इन्होंने ये जो कहा है जे आर बार्टली बाई के आधार पे। अब आते हैं आगे, फीचर्स एंड एलिमेंट ऑफ ए कंपनी।